Good morning, students. Let us start class 7 science part 1 and chapter number 4 heat and its effect. कल हमने क्या किया था, थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था. अभी हम लोग इसकी मैंने उसकी आपको पीडीएफ नहीं भेजी है, डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी. ठीक है, अब आता है चैप्टर नंबर 4 हीट एंड इट्स इफेक्ट. हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी. आप सर्दी का मौसम होता है, चूल्हे के आगे बैठ जाते हो और आँख सेकते हो. रोड साइड पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, बैठ जाते हैं और अपना जो हाथ होता है उससे आग से गर्म करते रहते हैं. तो उनको क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनको हॉट चाहिए, हीट चाहिए. तो हॉट चीज़ों से आपको हीट मिलती है. तो व्हाट इज द हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हीट. क्या है, एक एनर्जी का वो रूप है जो आपके अंदर एक हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन आपको देता है. देखिए, आपको अगर आपने कभी गर्म एकदम गर्मी हो रही है, अभी मौसम कितना हो रहा है, गर्म हो रहा है, और आप जाके क्या करिए, सूरज के आगे बैठ जाइए, सनलाइट में बैठ जाइए. इफ यू स्टे इन द सनलाइट ना, यू विल फील वेरी हॉट, एकदम से घबराहट सी होने लग जाएगी, क्यों, गर्मी है. और उसी टाइम में आप देखिए बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और आप ऊपर जाके क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, थोड़ी देर हमको धूप मिलती है. ठीक है ना, वी कैन गेट द सन. तो इसी तरह से ये चलता है. तो व्हाट इज द हीट, हीट जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अब हॉटनेस और कोल्डनेस अगर एक्चुअल सेंसेशन नहीं है तो आप देखिए, सपोज करिए एकदम से आपकी किचन के अंदर कुछ खाना बन रहा है और आपको उसको उतार के साइड में रखना है और आपने उस कढ़ाई को बिना कपड़े के ढके रख दिया. देखिए हॉटनेस का कितना मस्त सेंसेशन है, आपका आज हो जाएगा, पक्की बात है, हो सकता है कढ़ाई में छूट जाए. अब अगर कोल्डनेस से करते हैं तो सपोज करिए कि आप मिलने एकदम से सो रहे हैं और आपके भाई छोटे भाई बहन ने क्या किया, फटाफट से एक आइस क्यूब निकाला, फ्रीजर में से एक आइस क्यूब निकाला और तुरंत आपके पीछे उसने डाल दिया. देखिए आप कितनी तेजी से उठ जाते हैं, क्यों उठते भाई, दैट इज द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस. और हाथ से कढ़ाई क्यों छूटी, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई आपको. तो जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड व्हेन वी टेक आउट द हीट फ्रॉम द एनी बॉडी देन इट्स टेम्परेचर विल बी डाउन, उसका टेम्परेचर डाउन होता है. देखिए जैसे आपने गर्म पानी करने के लिए क्या किया, गैस ऑन की पानी को रख दिया गैस पे, तो आपका टेम्परेचर क्या हुआ, उसने पानी में टेम्परेचर गेन किया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया और गर्म हो गया. और उसी तरह से आपने एक बाउल लिया, बाउल में अपने आइसक्रीम का पूरा मैटर तैयार कर लिया, अब आपको क्या करना है, फ्रीजर में आइसक्रीम बनानी है. तो आपने उसको फ्रीजर खोला और उसमें रख दिया, यानी कि आपका टेम्परेचर तो नॉर्मल था ही, जब आप निकालते हैं 4 घंटे का तो ठंडा रहता, तो मतलब उसने टेम्परेचर क्या किया, लॉस कर दिया, टेम्परेचर निकाल दिया. तो टेम्परेचर अगर आपने निकाला तो चीज़ ठंडी हो गई, टेम्परेचर दिया तो चीज गर्म हो गई. अब आपका आता है हीट इज द जूल एंड कैलोरी, दो चीज़ों में नापी जाती है. किसके अंदर नापी जाती है बेटा, एक का आपका जूल और दूसरा आता है कैलोरीज के अंदर. तो 1 किलो जूल बराबर किसके बराबर होता है, 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल्स में. और इसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी. और इसको हम कहते हैं सी के बाद, तो 1000 कैलोरी होगी आपका. इसके बाद में 1 कैलोरी किसकी बराबर की बात होती है, 4.184 जी. 1 कैलोरी जो होते हैं वो 4.184 जी के बराबर होती है. अब आपने देखा होगा कि आपका एनर्जी जो होती है इज अ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और एनर्जी क्या होती है, वी कैन कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन टू अदर अनदर. एनर्जी जो होता है वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. अभी हम कह सकते हैं कैसे, देखिए सपोज यू आर इन द दिस इज द वेदर इज वेरी कोल्ड, सर्दी है बहुत, और आप क्या कर रहे हैं, दैट इज
दो मीन्स योर हैंड्स के बीच में आपने क्या किया, उसको रब किया, रब किया तो मैकेनिकल एनर्जी थी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, उसके बाद में आपको यू आर फीलिंग हॉट, गर्म महसूस हो रहा है ना, नॉन रिलैक्स महसूस होता है, तो मतलब क्या हुआ, आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। नंबर वन। नंबर टू, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, हम सर्दी की बात करें तो हमने क्या किया, हीटर ऑन किया। आपको हीटर ऑन करने से क्या हो गया, आपका जब हीटर ऑन किया तो आपकी उसके अंदर आपने उसके क्या प्लग चालू किया, मतलब आपने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, लेकिन कमरा क्या हो गया, गर्म हो गया, माने इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें परिवर्तित हो गई, आपकी किस में चेंज हो गई, हीट के अंदर बदल गई, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोयला, कोयला आपने जलाया तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर की हुई थी, कोयला जलाते खाना बनाते हैं तो वो किसमें बदल गई बेटा, हीट एनर्जी के अंदर बदल गई, तो हमने देख लिया ये सारे। अब सोचोगे हीट क्या है, अब हमें बोला हीट एनर्जी के भी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट तो समझ गया, एनर्जी क्या है, व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क टू, यानी किसी काम को करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी। अब किसी काम को करने की क्षमता, जैसे कई बार आप कहते हैं ये काम कर दो, जैसे बच्चों से निकाल देते हैं और मेरी मम्मी और उसको एनर्जी मिली, या मम्मी कई बार आ जाती है थक्के हार के, बच्चे कुछ कहते हैं तो मम्मी कहती है अरे नहीं मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं, ठीक है ना, तो एनर्जी मतलब काम करने की क्षमता नहीं है। तो इसी तरह से आपके घर के अंदर जो होता है हीट का इस्तेमाल भी आप करते हैं, किसके लिए, कुकिंग करने के लिए, आयरन करना है उसके लिए, और कपड़े आपको आयरन करने हैं, पानी गर्म करना है, सब्जी बनानी है, तो उसके लिए आप हीट का इस्तेमाल करते हैं। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, कोई चीज़ हॉट है तो उसको अपन हॉट बोलेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हॉट होगा, टेम्परेचर बहुत कम है तो कोल्ड होंगे। बट हाउ कैन वी मेजर, हम कैसे उसको मेजर करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज द हॉट और कोल्ड विद आवर हैंड्स, हम अपने हैंड से करेंगे, सपोज करेंगे, अब आपने हैंड से तो कर दिया लेकिन उससे क्या होगा बेटा, आपने अगर हाथ उसको डाला तो हो सकता है कि वो आपकी चीज बहुत गर्म हो, अगर वो बहुत गर्म हुई तो आपके लिए एक प्रॉब्लम कि आपका हाथ जल सकता है, और बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो बहुत ज़्यादा ठंडा आपको महसूस होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो हम लोग इससे क्या कहते हैं कि अब आप बताइए कि आपने एक चीज़ को, एक आदमी को वो चीज़ गर्म हो गई, दूसरे आदमी को वो चीज़ ठंडी हो गई, चीज़ तो एक ही, आप सोच रहे हैं कैसे, नहीं बेटा मैं बताती हूँ आपको एक एक्सपेरिमेंट से, कि आप खुद अकेले आदमी हैं जो अपने दो हाथों के एक्सपेरिमेंट के बदले कहेंगे, एक हाथ आपका कहेगा द गिवन थिंग इज द गर्म और अदर कहेगा ठंडी, कैसे, उसके लिए हमने क्या करेंगे, तीन बाउल, क्या लगे बेटा, तीन बाउल, तीन बाउल हमने देखो उनके नेम लिख दिए हमने, ए इसको लिया हमने हॉट, इसको लिया हमने बी, और इसको लिया आइस कोल्ड, कोल्ड भी कौन सा, आइस, और ये हमने लिया वाटर, इसको हमने लिख दिया सी, इस तीनों में हमने पानी लिया है, देखिए ए, ए यानी कि हॉट वाटर, बी यानी आइस कोल्ड वाटर, एंड सी इज द वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तीनों ले लिया, वी विल डिप आवर हैंड्स इन द बाउल, कैसे, जो ए वाला बाउल है हमने वन पाउंड वाटर का उसमें हमने हाथ डाला, एट द सेम टाइम वी पुट आवर हैंड्स इन द कोल्ड वाटर, यानी आइस कोल्ड जो वाटर है बी वाले बाउल में हमने डाल दिया, आफ्टर फाइव मिनट्स, पाँच मिनट तक हमने हाइड की बदले रहे, उसके पाँच मिनट बाद में कहता है वी टेक आउट आवर हैंड्स एंड पुट इन द वॉर्म वाटर, और उसको हमने किसमें डाला, गर्म पानी के अंदर डाल दिया, बट व्हाट डू यू थिंक, हमने क्या किया, बिल्कुल अलग अलग फील किया, सच में आप करके देख सकते हो, लेकिन थोड़ा अपनी मम्मी की गाइडेंस, देखिए जो हमारा हाथ राइट हैंड हमने हॉट में डाला था, यानी ए बाउल में जो हमने हैंड डाला था तो वो पानी गर्म था, लेकिन जब हमने उसी हाथ को वॉर्म में डाला तो हमको वो कैसा लगा, ठंडा लगा, हॉट और वॉर्म में अंतर, तो वो हमको ठंडा लगा, लेकिन बी जो हमने आइस कोल्ड में हमारा हाथ था उस हाथ को हमने निकाल के वॉर्म में डाला तो हमको गर्म लगा, मतलब दोनों हाथ भी आपके लिए, देखें दोनों हाथ आपके लिए, लेकिन एक हाथ आपको कहता है कि पानी गर्म है, दूसरा हाथ आपको कहता है कि पानी ठंडा है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसको अवॉइड करके हमने क्या देखा, हमने देखा कि वी कैन नॉट
बिलीव ऑन अवर सेंस, हम अपने सेंस पे भी डिपेंड नहीं कर सकते भाई दूसरों की क्या बात करेंगे, तो हमारे से दोनों आती है वो अलग अलग बात बोल रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमने क्या किया कि हॉट टेम्परेचर, हमने क्या किया उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्ड। हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने का एक तरीका है, इसको हम कहते हैं यूनिट है, जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर है। ये एक स्केल है बाय विच वी कैन मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस, जिसके द्वारा हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर कर सकते हैं। अब आता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, बेटा दे आर एक्चुअली थ्री यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। सबसे पहले हम कहते हैं यूनिट की जो टेम्परेचर है वो हमें कैल्विन, के ई एल वी आई एन, इसको हम कैल्विन कहते हैं, के से डिनोट करते हैं। दूसरी हम लोग यूनिट है बेटा सेल्सियस, सेल्सियस जो होता है इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तीसरी होती है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जो होती है इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो दे आर दीज आर द थ्री यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब आता है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर, है ना, या थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर, वो एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं मापते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये थर्मोमीटर जो वर्ड होता है वो किससे बना है बेटा, थर्मोमीटर जो वर्ड होता है वो वर्ड से बना हुआ है थर्मो, थर्मो का मतलब होता है आपका हीट, थर्मो का क्या मतलब होता है हीट होता है, इसका मतलब थर्मोमीटर जो होता है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग, क्या बोलते हैं उसको हम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। यानी कि गर्म करने के ऊपर कोई भी जो लिक्विड होता है वो कितना फैलता है, जितना गर्म करोगे उतना वो फैलेगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या होता है थर्मोमीटर किया, थर्मोमीटर जो ले लिया उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है आपका लोअर पॉइंट, एक होता है अपर पॉइंट। जो लोअर पॉइंट होता है वो किसके अंदर रहते हैं हम, टेम्परेचर, द लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है इज द टेम्परेचर एट विच वी विच आइस मेल्ट एट द सी लेवल, जहाँ पर सी लेवल पे आइस आपकी मेल्ट हो जाती है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो फिक्स पॉइंट होता है अपर फिक्स पॉइंट इज द अपर मोस्ट लेवल एट विच प्योर वाटर बॉइल एट द सी लेवल, यानी कि सी लेवल पे प्योर वाटर बदलता है। यानी कि इसके लिए हमने कितना लिया 0 डिग्री से 100 डिग्री, ये हमने टेम्परेचर के मेजरमेंट ले लिया थर्मोमीटर के ऊपर। और बीच में जो डिवाइड जगह है ये एक 0 डिग्री एक 100 है, आपका नीचे 0 है, देखिए ये आपका 100 हो गया यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन जो मिडिल पार्ट है वो किस में है, यहाँ पर 100 भागों में बटा हुआ है, देर आर 100 डिग्री, ठीक है। उसके अंदर बाद में आता है कि तीन स्केल होते हैं, एक सेल्सियस स्केल बताया, एक केल्विन बताया और एक फ़ारेनहाइट बताया। तो इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, इंडिया ने हमने क्या अडॉप्ट किया हुआ सेल्सियस स्केल अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग फ़ारेनहाइट जो स्केल था उसको इस्तेमाल करते थे। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो इसके लिए नाम पड़ा था डैनियल गैब्रियल, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट उसके इसलिए नाम पड़ा था इसका। और यहाँ पर भी क्या होता है कि दो फिक्स पॉइंट है, एक आपका है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरा आपका है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर पॉइंट, और इसके बीच की जो दूरी है इसको हमने 180 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। कितने में किया बेटा, 180 डिवीजन्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, जो एंडर सेल्सियस थी, एक स्वीडिश वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पे हमने जो है वो सेल्सियस रखा था, फ़ारेनहाइट हमने गार्डन फ़ारेनहाइट के नाम पे रखा था। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, कैन वी कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो अब ये देखिए कि किस तरह से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, यानी दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। एंड व्हाट इज द रिलेशन,
how can we represent the relation? Celsius divided by 100 equal to F minus 32 divided by 180. Yeah, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला है बेटा, C टेम्परेचर इन द केल्विन, F टेम्परेचर इन द फैरेनहाइट। तो इसको हम लोग जो होते हैं वो फैरेनहाइट को उसमें क्या कहते हैं, सेल्सियस में और सेल्सियस को हम फैरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए पेज नंबर आपका 33 पे बुक का ही क्वेश्चन है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए बॉय इज 98.6 डिग्री फैरेनहाइट। तो टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 98.6 डिग्री फैरेनहाइट ये टेम्परेचर है उसका नॉर्मल, और आपको क्या करना है सेल्सियस स्केल में बदलना है। तो हमने देखा ये आपका हो गया, तो बेटा फॉरेनहाइट आपको दिया हुआ है, तो सी अपॉन 100 बराबर 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 यही आपका है। तो अगर C अपॉन 100 में यहाँ पे कर देती हूँ तो 98.6 में से अगर 32 अगर माइनस करते हैं तो आपका आपका 66.6 हाँ डिवाइडेड बाय 180 66। अब अपन इसको C में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। C बराबर 66.6 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ओके, आप इसी तरह के और भी क्वेश्चंस अपने मन से कर सकते हैं बेटा, कोई भी फॉरेनहाइट बना लीजिए, कोई भी आपका सेल्सियस बना लीजिए, कुछ भी करके इस तरह से दूसरा आप निकालने की कोशिश करें। ओके, लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट। थैंक यू।